हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज है 30x40। जैसा कि अभी मैं देख रहे हैं, इसका साइज दिया है 30x40। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूंगा आपको, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। ये आपका 3D पूरा प्लान बना हुआ है। अभी मैं आपको फाउंडेशन की पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। अगर आपका कोई अदर साइज का प्लॉट पड़ा है फिर भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे आपके काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, फाउंडेशन की जानकारी पूरी देंगे, कहाँ पे कितने बाई कितने का पिलर दिया गया है, कैसा क्या है, पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में आपको दो दुकानें दी गई हैं। यहाँ पर आपको कार पार्किंग के लिए आपको एंट्री गेट दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको कार पार्किंग के लिए एंट्री गेट दिया है और यहाँ पे आपको दो दुकानें दी हैं। देख सकते हैं सीढ़ियाँ मैंने कुछ इस तरीके से आपको दी हैं। यहाँ पे रैंप बनाई हुई है, देख सकते हैं। इस गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से कार पार्किंग के लिए स्पेस दिख जाता है। गेट आपका 9 फिट का दिया गया है, ये गेट आपका 9 फिट का लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको कार पार्किंग मिल जाती है 10.5x16 की, 10.5x16 की यहाँ पे आपको कार पार्किंग मिल जाती है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जीना दिख जाता है। ये जीना आपका 3 फिट का दिया गया है, ये जीना आप देख सकते हैं, ये जीना आपका 3 फिट का दिया गया है, देख सकते हैं। ये जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने दिया है, पैर रखने वाला 9 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दो दुकानें दिख जाएंगी। फ्रंट में आपको दो दुकानें मिल जाती हैं, दोनों दुकानों का साइज मैंने सेम दिया हुआ है, दोनों दुकानों का साइज सेम दिया हुआ है, 9x11, 9x11 के आपका दुकानें मिलेंगी दोनों, 9x11 की, देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो ध्यान से देखना होगा, पूरा आपको डिटेल में जानकारी यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको 3 फिट का गेट मिलेगा और यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक दिख जाती है, यहाँ पे आपको बैठक मिल जाएगी, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी आपको यहाँ पे बैठक मिल जाती है 10x15 की। इस एरिया का साइज दिया हुआ है 10x15, देख सकते हैं 10x15 की यहाँ पे आपको बैठक मिल जाती है अच्छी खासी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलेगा और यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दिख जाती है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको किचन मिल जाती है, इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 7x7, 7x7 इसका साइज दिया है। अगर आप इस साइड विंडो लगाना चाहते हैं तो इस साइड भी विंडो लगा सकते हैं, जीना काफ़ी ऊंचा हो रहा था तो इसलिए मैंने इस साइड आपकी विंडो नहीं लगाई हुई है, देख सकते हैं 7x7 की यहाँ पे आपको किचन मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक इंटीग्रेट मिलेगा और यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल जाती है, देख सकते हैं। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आपको एक रूम मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है 11.5x11 का, 11.5x11 का यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है, देख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलेगा। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है, देख सकते हैं, जिसका मैंने साइज दिया 11.5x15, 11.5x15 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं। जिसका मैंने वेंटिलेशन इस साइड से दिया, पीछे से आपको विंडो उपलब्ध कराई है। यहाँ पे आप इंटी गेट भी लगा सकते हैं 2.5 फिट 2 फिट का, जो भी आपको लगाना हो यहाँ पे गेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक इंटी गेट मिलेगा। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाएगी, जिसका मैंने वेंटिलेशन आपको पीछे दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं वेंटिलेशन आपका दिया गया है, छोटा सा रोशनदान दिया है। इस लैट्रिन बाथरूम का साइज मैंने दिया हुआ है 5x7, 5x7 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक एंट्री गेट मिलेगा और आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल जाती है इस साइड से, देख सकते हैं। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है अच्छा खासा 10x12 का, 10x12 का यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एरिया छोटा सा पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप ऊपर जाल रखा जाएगा, अभी मैं आपको डिटेल में पूरा दिखा दूंगा। एक यहाँ पे जाल रखा जाएगा, एक यहाँ पे जाल रखा जाएगा, यहाँ पे 2 जाल रखे जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कार पार्किंग मिलती है ग्राउंड फ्लोर में और 2 शॉप मिलती हैं और यहाँ पे आपको 3BHK हाउस प्लान पूरा कंप्लीट मिलता है, देख सकते हैं।
अब बात आती है फर्स्ट फ्लोर की, जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद आपको कंप्लीट फर्स्ट फ्लोर दिख जाएगा। फर्स्ट फ्लोर दिखाने से पहले आपको मैं कुछ इस तरीके से फाउंडेशन दिखा दूं, क्या क्या आपको दिखाने वाला हूं मैं। यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा, किस तरीके से आपके पिलर जाएंगे और कहाँ पे कितने बाई कितने का रहेंगे, पूरा डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। देख सकते हैं फाउंडेशन की आपकी बीम पड़ेगी पूरी आपकी, मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन एरिया मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको बालकनी में आने जाने के लिए आपको एंट्री गेट भी दिया है, यहाँ पे आप बालकनी में आ जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये छज्जा आपका 3 फिट का निकाला हुआ है मैंने, ये छज्जा आप देख सकते हैं छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से एलिवेशन बनाया है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने डिजाइनिंग दी है, छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट मिल जाएगा, देख सकते हैं ये आपका पूरा सेपरेट बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 BHK आपका इस साइड से सेपरेट बनाया, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट मिलेगा, और 2 BHK मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट मिलेगा, ये सेपरेट आपका बना हुआ है। और पूरा जीना भी आपका सेपरेट दिया गया है, देख सकते हैं आप। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक दिख जाती है, यहाँ पे आपको छोटी सी ओपन एरिया दिख जाता है, देख सकते हैं इस एरिया का मैंने साइज दिया हुआ है 5x20, 5x20 यहाँ पे आपको एरिया मिलता है। यहाँ पे आप आराम से सोफा डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मैंने उपलब्ध कराई है, देख सकते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके किचन मिलेगी, किचन आपकी ओपन रहेगी, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए मैंने विंडो भी आपको उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं। इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 7x6.5 का साइज दिया है ओपन किचन का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से किचन के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको एंट्री गेट मिलेगा। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 11x11.5 इस रूम का साइज दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलेगा। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है, देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए मैंने छोटा सा यहाँ पे रोशनदान दिया, आपका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा लैट्रिन बाथरूम का। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज दिया हुआ है 3.5x7 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलेगा। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है, देख सकते हैं बालकनी में आने जाने के लिए आपको एंट्री गेट भी मैंने दिया है, यहाँ पे बालकनी में आ जा सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी उपलब्ध कराई है। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 9x11 इस रूम का साइज दिया है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 BHK आपको सेपरेट मिलता है फुल वेंटिलेशन के साथ, यहाँ पे बालकनी में आ भी जा सकते हैं आप बहुत ही आसानी से, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक एंट्री गेट मिलेगा। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले हॉल मिल जाता है, यहाँ पे आपको हॉल मिल जाएगा। इस हॉल का मैंने साइज दिया हुआ है 8x10 इसका साइज दिया हॉल का, देख सकते हैं 8x10। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे किचन मिल जाएगी, जैसे कि आपको नीचे देखने को मिली थी, देख सकते हैं यहाँ पे आपको किचन मिल जाएगी 7x7 की, यहाँ पे आपको किचन मिल जाती है, वेंटिलेशन इस साइड से दिया है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था यहाँ पे जाल उपलब्ध कराया गया है, आपको यहाँ पे एक जाल दिया गया है और इस साइड भी आपको एक जाल दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जैसा सेम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है 11.5x15 का, जैसा कि आप देख सकते हैं इंटीग्रेट आपको इस साइड से उपलब्ध आया है, वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो इस साइड से दी है। यहाँ पे आपको एक 10x12 का रूम मिल जाता है और बीचों बीच आपको यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है 5x7 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 BHK आपका इस साइड भी आपको कंप्लीट मिलता है और सेपरेट आपका जीना भी बना हुआ है पूरा। अब बात आती है अटिया की और एलिवेशन की और फाउंडेशन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं अटिया पूरी कंप्लीट आपकी कुछ इस तरीके से बनी है, यहाँ पे मैंने ग्लास का यूज किया है, काफ़ी अच्छा खासा उजाला भी बना रहेगा, एलिवेशन भी आपका बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे 2 जाल दिए गए हैं आपके कुछ इस तरीके से, ऊपर वाला भी छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है, यहाँ पे लाइटें लगवा सकते हैं आप बहुत ही आसानी से, देख सकते हैं एलिवेशन मैंने कुछ इस तरीके से दिया, काफ़ी बेहतरीन लुक लग रहा है आपके हाउस प्लान का। अब यहाँ पे आप जान लीजिए किस तरीके से आपकी बीम जाएगी और कहाँ फाउंडेशन की बीम कैसी रहेंगी और कॉलम कहाँ पे दिए हैं, कितने बाई कितने के दिए हैं, कितने सरिये पड़ेंगे, पूरी आपको डिटेल में यहाँ पे जानकारी मिलेगी।
तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखना होगा। अगर आपका कोई अदर साइज का भी प्लॉट है फिर भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से आपका प्लॉट बना हुआ है 30x40, ये आपका 30x40 का प्लॉट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप अपने पहले डायमेंशन देखेंगे कहाँ पे किस तरीके से पिलर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि मेरे पिलर कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। देख यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपके पिलर कहाँ पे कितने दिए हैं, पूरा डिटेल में पता चल जाता है। उसके बाद अब बात आती है गड्ढा खोदने की। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके गड्ढे खुद जाएंगे, ये पूरे आपके गड्ढे कंप्लीट खुद जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सरिया डाला जाएगा, पूरा यहाँ पे जाल बांधा जाएगा पिलर का। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जाल बांधा गया है, देख पा रहे होंगे आप कुछ इस तरीके से आपका पूरा बना हुआ है, देख सकते हैं। ये गड्ढा मैंने 3 फीट का गहरा किया है, ये गड्ढा 3 फीट मैंने गहरा किया है, देख सकते हैं। उसके बाद इसको फिल कर देना है, फिल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फिल करने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा, फाउंडेशन की आपकी बीम कुछ इस तरीके से रहेंगी। ये पिलर आपका 9x9 का दिया है, यहाँ पे आपको डिटेल बता दूं, ये पिलर आपका 9x9 का दिया है, 6 सरिये पड़ेंगे आपके, देख सकते हैं 9x9 का दिया गया पिलर और 6 सरिये पड़ेंगे इसमें। और ये आपकी फाउंडेशन की बीम है पूरी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी फाउंडेशन की बीम पड़ी है, 9x9 की आपकी बीम भी पड़ी है, देख सकते हैं 9x9 की आपकी बीम भी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका फाउंडेशन पूरा बन जाएगा कंप्लीट विद बीम के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा हाउस प्लान कंप्लीट बनना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आज का प्लान पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो धन्यवाद।